हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको रेनॉल्ट काइगर RX-Z मॉडल का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं या फिर इस कार में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इसके सारे फीचर्स और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है वो आपको पता चल सके। सबसे पहले मैं आपको इसके की दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे स्मार्ट एक्सेस कार्ड जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे फ्रंट के लुक की अगर आप बात करें तो काफ़ी बेहतरीन लुक मिलती है कार जो है ये, आपको फ्रंट से, रियर से या फिर आप कहीं से भी देखें तो काफ़ी बेहतरीन मिलती है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप फ्रंट इस प्रकार की लुक जो है फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे DRL और इंडिकेटर दोनों आपको मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो आपको LED में मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। एकदम से वाइट रोशनी जो है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे फ्रंट की ग्रिल देखें तो यहाँ पे क्रोम इंसर्ट मिलता है। बीच में यहाँ पे रेनो का लोगो मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बाकी आप यहाँ से आप लुक देख सकते हैं, इस प्रकार की लुक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आप देखें तो एलॉय व्हील जो है वो आपको मिलता है। MRF के टायर अभी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे टायर साइज देखें 195/60 और 16 के टायर जो है वो आपको मिल जाती है। RX-Z की वेजिंग यहाँ पे की गई है। बाकी ORVM देखें तो आपको ब्लैक फिनिश में मिलती है, और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो भी आपको मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से इंडिकेटर आप देख सकते हैं। डोर हैंडल जो है वो आपको बॉडी कलर में ही मिलती है, और यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी अच्छा लुक जो है वो साइड में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टिकर एक ब्लैक से देखने को मिलती है। बाकी यहाँ से अगर आप लुक देखें तो कुछ इस प्रकार की लुक जो है वो आपको मिलने वाली है। टेल लैंप काफ़ी अच्छे मिलते हैं, एक अलग सी, एक अलग फिनिश में टेल लैंप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। रियर पार्किंग सेंसर यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी अच्छी लुक जो है वो आपको रियर से देखने को मिलेगी काइगर की। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। काइगर की बेजिंग, यहाँ पे रेनो की बेजिंग, यहाँ लोगो आप देख सकते हैं। लोगों के बीच में कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियर में रियर वाइपर, रियर वाशर, डिफोगर, यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प, ऊपर सार्फिन एंटीना जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी बूट स्पेस जो है वो आप देखें 405 लीटर की काफ़ी बड़ी बूट स्पेस जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे बूट लैंप वगैरह नहीं मिलता है। बाकी आप यहाँ पे स्पेयर व्हील देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ी बूट मिलती है। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से कुछ इस प्रकार की लुक जो है वो आप देख सकते हैं इस कार की। यहाँ पे रियर में स्कीड प्लेट्स जो है वो दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ये फाइबर की है, लुक जो है वो काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। बाकी चलिए इसका इंटीरियर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 40 लीटर की मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 1 लीटर की इंजन जो है वो आपको मिलती है 3 सिलेंडर में। यहाँ पे फ्रंट की डोर आप देख सकते हैं। डोर अगर आप देखें तो इस प्रकार की डोर देखने को मिलेगी। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पर से आप ORVM को होल्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 1 लीटर के बोतल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, और ये जो फिनिश है ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक जो है वो आपको देता है। तो कुछ इस प्रकार की डोर मिलती है आपको। बाकी यहाँ पे आप देखें तो सीट को हर तरह से एडजस्ट आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में आप देखें तो इस प्रकार की जगह मिलती है। हालांकि यहाँ पे फुटरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फुटरेस्ट होता तो बहुत ही अच्छा होता। यहाँ पर हेडलैम्प्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि थोड़ी सी ऑड है। ये अगर इधर होती यहाँ पे या फिर यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर फ्रंट में बैठते हैं थोड़ी सी शैतानियाँ करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे। देखिए काफ़ी अच्छी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलती है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह भी काफ़ी अच्छा, म्यूजिक सिस्टम आपको इस कार में मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। थोड़ी सी लैक होती है, लेकिन ठीक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लैक महसूस होता है जब आप, ये थोड़ा सा लैक होता है लेकिन ठीक है।
और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे एसी के कंट्रोल जो है वो आपको मिलती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है यहाँ पे। और एसी वेंट्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, इसके फ्लो जो है वो आपकी फेस में काफ़ी अच्छे ढंग से आती है। बाकी यहाँ पे एक अलग फिनिश जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे बूट और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको ऊपर मिलती है और एक नीचे भी। ये सेटअप जो है आपको ट्राइबर में भी देखने को मिलती है और काइगर में भी देखने को मिलती है। बाकी स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखें तो फ्रेश एयर जो है, क्लीन एयर जो है वो आपको मिलती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एसी वेंट्स में। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह मिलते हैं या नहीं, तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक केबिन लैंप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे इस कार में अगर आप देखें तो यहाँ एक स्पेस जो है वो आपको मिलता है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है ये आपको गियर नॉब मिलती है। यहाँ आप देखें तो नॉर्मल, इको और स्पोर्ट तीन मोड जो है ड्राइविंग मोड वो आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसकी एड भी काफ़ी आजकल आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे एक स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिलती है। तो इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डैशबोर्ड और ये कार जो है वो आपको कैसी लगती है। बाकी यहाँ पे आप सीट देखें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में यहाँ पे देखें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो सीट की कुशनिंग और कम्फर्ट जो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। चलिए रियर में चलते हो, रियर में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको इस कार में प्रोवाइड की जाती है। रियर डोर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे आप देखें तो बोतल होल्डर, स्पीकर, ट्यूटर, काफ़ी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम मिलता है, फोर स्पीकर और फोर ट्यूटर के साथ आपको मिलता है। ब्लैक ग्लोसी फिनिश में डोर ओपनर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप रियर में देखें तो यहाँ पर भी हेडरेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें तो दो एडल्ट एक चाइल्ड आसानी से बैठ सकता है। बाकी रियर में इसको 60-40 में होल्ड भी कर सकते हैं सीट को, और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है बीच में देखे तो। ये देखिए आर्म रेस्ट, और यहाँ पे टू कप होल्डर और एक मोबाइल होल्डर जो है वो भी आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये मैग्नेट से सिमिलर है, मैग्नेट में भी आपको सेम यही आर्म रेस्ट जो है वो रियर में देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पे रियर एसी वेंट्स जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्लोअर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखें 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो नीचे मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और कुछ यहाँ से अगर आप देखें तो इस प्रकार की लुक जो है वो फ्रंट की देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे देखें दो केबिन लैंप मिलते हैं, एक यहाँ पे रियर में और एक फ्रंट में भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ लुक है इस कार से जुड़ी। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाननी है तो मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर से इस कार की ऑन रोड प्राइस जो है वो आप जान सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए ये कार आपको कैसी लगती है, ये रिव्यू आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।